प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करने पर गृहिणियों ने आक्रोश जताया है। इस बाबत शहर की महिलाओं से की गई बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि सीएम का यह बजट केवल मात्र घोषणाओं का बजट है। बजट में सीएम ने रसोई का कतई ध्यान नहीं रखा है। महिलाओं ने बताया कि वर्तमान में महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसी प्रकार बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम नहीं करने पर भी शहरवासियों ने आक्रोश जताया है। शहरवासियों का कहना रहा कि अगर वैट कम किया जाता है तो पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में कमी आती और आमजन को महंगाई से राहत मिलती, लेकिन सीएम ने इसका कतई ध्यान नहीं रखा। आइए सुनते हैं बजट पेश होने के बाद जय स्काई न्यूज की ओर से शहरवासियों से बजट पर ली गई प्रतिक्रियाएं। आज जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उससे हम कोई भी घरेलू महिलाएं खुश नहीं है, क्योंकि तेल दालों इनमें को भी कोई कमी नहीं की है और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती ही गई है। हम आज के बजट से संतुष्ट हैं कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, बट हमें सरकार ने निराश किया। आज का जो बजट पारित हुआ उसमें ब्यावर के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ब्यावर की कई मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसमें UIT की मांग थी, मेडिकल कॉलेज की मांग थी और सबसे बड़ी जो मांग थी ब्यावर को जिला बनाने की। ब्यावर की जनता काफ़ी समय से उम्मीद लगा के बैठी थी सरकार से कि ब्यावर को इस बार जिला जरूर बनाएंगे, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ में लगी है। हुआ है उसके लिए हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। जैसा कि यहाँ ब्यावर को जिला बनाने के लिए जो सपने दिखाए जा रहे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। दूसरा ये कि सिलेंडर के दालों के इनके जो दाम बढ़ रहे हैं उनके लिए भी महिलाएं काफ़ी नाखुश है, और यहाँ और जो यहाँ की मेडिकल कॉलेज के लिए जो हमने डिमांड रखी थी वो भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर इसकी फाउंडेशन रखते तो काफ़ी युवा एवं युवतियाँ एजुकेट होते, बट थोड़ा हम खुश है कि चलो यहाँ पे जो भी कन्या महाविद्यालय की फाउंडेशन के लिए सरकार एग्री हुई है वो हम उसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें ब्यावर की जनता को बहुत देर से हाथ में लगी है। ब्यावर की जनता के साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है, सभी पार्टियों ने आज तक विश्वासघात किया है। ब्यावर को जिले की मांग के साथ साथ ब्यावर में कई चीज़ें थी जो ब्यावर मांग करता था, मगर उसमें से एक भी पूर्ति नहीं हुई। ब्यावर जिला नहीं मिला तो मेडिकल कॉलेज दे सकते थे, एक IT कॉलेज दे सकते थे, और वो भी नहीं दिया। ब्यावर जिले की हर चीज़ की पूर्ति करता है। ब्यावर का राजस्व भी राजस्थान में लगभग सबसे बड़े शहरों के बराबर दूध देता है, और ब्यावर से इसको कुछ भी हासिल नहीं, इसलिए बजट बहुत निराशाजनक रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए महिला महाविद्यालय और एक शील कोर्ट ब्यावर को एक नया थाना भी प्रस्तावित था और वो भी नहीं मिला, इसलिए ये बजट वाक्य में बहुत ही गलत और निराशाजनक है। ब्यावर की जनता के साथ साल का हुआ। बजट को लेकर पूरे व्यापार वर्ग में बहुत उत्साह था, और सुबह 11 बजे से ही मुख्यमंत्री जी के बजट के लिए आंखें TV की ओर थी, लेकिन व्यापार की दृष्टि से मैं देखा जाओ तो हमें निराशा ही हुई, कोई खास उसका लाभ नहीं हुआ। और ब्यावर की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस ने ये सुअवसर खोया है, क्योंकि प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है और पिछले 3 टर्म से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अभी ये मौका था उनको कि सारे मतों को अपनी ओर अग्रसर, अपनी ओर आकर्षित करने का, एक जिले की घोषणा करनी थी सारे व्यापारियों के अंदर, जवाजा पंचायत समिति के अंदर, आसपास के गांवों के अंदर जो लंबे समय से मांग थी वो पूरी हो जाती तो बहुत अच्छा लगता। मैं तो ये कहूँगा कि इसके अंदर चाहे अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने खूब सारी योजनाएँ प्रारंभ की हो, पर व्यापारियों की दृष्टि से हमारे शहर ब्यावर को जिला नहीं बनाकर हमें बहुत दुख हुआ। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि ब्यावर को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारा जो मतलब घर का रोज का है कि ऑयल या डीजल, पेट्रोल वगैरह सब महंगा हो चुका है, और पूरा बजट एक तरीके से हमारा गड़बड़ा ही गया है। ये नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से उस चीज़ को हम मैनेज करें और पूरा महीना हम अपना कैसे निकालें। जो आज का जो बजट रहा उसमें बहुत सी अपेक्षाएं थी हमें, पर उन पर अब सरकार शायद नहीं डिसीजन ले सकी सही,
जो महंगाई का चल रहा है, जो हमारी लेडीज़ के लिए, गृहिणी के लिए है, तेल मेन जो हमारा तेल का होता है, किचन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है अभी तक, उसको लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर